हमारे साथ बने रहिए, आपके पास में लौटूंगा। हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद इस वक्त जुड़ चुके हैं, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। चंद्रशेखर, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। और चंद्रशेखर आजाद एकमात्र वो नेता हैं जो लखीमपुर आज पहुंच पाए, बाकी कोई भी नेता वहां पर नहीं पहुंच पाया। चंद्रशेखर, आप वहां पर पहुंचे, आपको भी प्रशासन ने रोका, क्या बातचीत वहां पर आपकी हुई किसानों से? देखिए, मैं कल रात में मुझे रोक लिया गया था और मुझे वापस लखनऊ की सीमा में लाके छोड़ा गया जी। फिर सुबह 4 बजे से मोटरसाइकिल से हम लोग जो है 7 घंटे का सफर करके पीड़ित परिवार किसानों के बीच पहुंचे। जो शहीद किसान हुए उनको नमन किया और मेरी उस परिवारों से बात हुई। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई, जिन लोगों ने उनके बच्चों को उनसे छीन लिया है, उनके परिवारों में तकलीफ दी है, उनको सजा मिले, उनकी गिरफ्तारी। और एक इस दुख के साथ भी एक मांग उनकी लगातार ये रही, उन्होंने मुझसे भी कहा कि आप भी इसको कहें कि वो जो 3 कानून जो जिसके विरोध में 10 महीने से ज़्यादा किसान बैठे हुए हैं, 10 महीने ज़्यादा का समय हो गया है, और ये मामला भी, ये विरोध भी सिर्फ इसी वजह से था क्योंकि वो जो किसान विरोधी कानून है वो लागू किए जा रहे हैं, वो अब तक हटे नहीं हैं, उनके विरोध में ये आंदोलन जारी था। तो अगर वो ना होता, मुख्य प्रधानमंत्री जी ने उस पर किसानों के बात सुन ली होती और किसानों की मांग मान ली होती, तो शायद ये जाने ना जाती। तो उनका ये भी कहना था कि प्रधानमंत्री जी अब भी किसानों की चीख पुकारे सुने और उन बिलों को वापस लें, उन कानूनों को वापस लें और किसानों के बारे में सोचें जी। तो ये मांगे थी, ये मांगे मैंने जो है आपके सामने भी रख दी जी। और पीड़ित परिवार की मांगे रखना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जिम्मेदारी है। और आज उसके बाद प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत हुई, तो फिर जिन मुद्दों पर सहमति भी बन गई और हालात थोड़े सामान्य जरूर हुए, लेकिन ये बात मैं भी कहता हूँ कि कोई मुआवजा किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकता। इस पर क्या कहना है आपका, जो सहमति बनी है? देखिए, सहमति किसानों के, उनके परिवारों के, किसान मोर्चा के नेताओं के, प्रशासन के बीच बैठ के बनी है। और जो सहमति बनी है, जब वार्ता का दौर चलता है तो वार्ताओं में समाधान निकलते हैं। मैं तो इसीलिए कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी भी किसानों से वार्ता करें, लंबा समय हो गया है, और कहीं ना कहीं सहमति बना के इन बिलों को जो है कानूनों को वापस कर दें। तो जो मुआवजा है ना, वो मैं कह रहा हूँ कोई भी कीमत लवप्रीत को, जो जिसकी 2 बहनें हैं, वो अकेला भाई था, उसको वापस नहीं ला सकता है जी। कोई भी कीमत जो है, जिनके परिवारों से चले गए हैं उनके परिवार के लोग, उनको वापस नहीं ला सकती। हाँ, एक थोड़ा सा योगदान कि वो अपने जीवन को सामान्य रूप से जी पाएं, ये सरकार द्वारा किया गया ये अच्छा कदम है। जी चंद्रशेखर, बिल्कुल आप रास्ते में और हम लाइव आपसे बातचीत कर रहे हैं, अच्छा ये होगा कि जी जी। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि 3 और लोगों की जान भी गई, जो बताया जा रहा है एक ड्राइवर की मौत हुई और बाकी जो दूसरे पक्ष के थे वो किसान पक्ष के नहीं थे, दूसरे पक्ष के थे, उस पर आपका क्या कहना है? वो भी गलत हुआ, उसमें भी जान तो किसी की लेना कोई जायज कभी ठहरा ही नहीं सकता, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं कभी गलत को जायज नहीं ठहरा सकता हूँ जी। मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ कि जो जांच का विषय है उसकी जांच होनी चाहिए। और ये हमें समझना पड़ेगा कि ये तो आप अगर महसूस करेंगे ना, ये तो 4 जाने 8 जाने हमने प्रत्यक्ष रूप से देखी, लेकिन इस आंदोलन में 1000 लोगों की जान जा चुकी है। कोई मानसिक प्रेशर से किसने सुसाइड किया है, और ये पूरे देश ने देखा कि यहाँ तो धार्मिक गुरुओं ने भी सुसाइड किया है। तो उस तकलीफ को भी हमें समझना चाहिए कि ये घटनाएं होना, अब इस पर विराम लगाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। अगर हमारे प्रधानमंत्री, जो सबके प्रधानमंत्री हैं, वो किसी एक पार्टी के नहीं, एक व्यक्ति के नहीं, वो सबके प्रधानमंत्री है, अगर वो किसानों की आवाज़ वो नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? किसानों की तकलीफ को हल करने की चाबी उनके पास है, पावर उनके पास है, तो हम सब लोग तो कह ही सकते हैं। बाकी अगर तानाशाही, अगर एक मत ही बना लिया है कि किसानों के पक्ष में कुछ करना नहीं है, तो इसमें फिर आप और मैं क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारा तो काम है कि उनको जी, उनके सामने ये बात दोहराएं। बिल्कुल, ये बात दोहराए और इस मांग को आपने दोबारा दोहराया होना, मजबूत होना जिम्मेदारी है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चंद्रशेखर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। आप सफर कर रहे हैं, वापस लौट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने वक्त निकाला, लेकिन आपकी मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बराले वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा की आक्रामक रणनीति।